विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 36,330 वादों का हुआ निस्तारण, वसूले गए 1,18,29,432 रुपए। शादी समारोह में हुई मारपीट में युवक की मौत, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीओ कैंट ने किया खुलासा। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगा शौचालय निर्माण में लगने वाली राशि। गोरखपुर पुलिस और एसटीएफ को मिली संयुक्त रूप से कामयाबी, पकड़ा गया 15,000 का इनामी बदमाश, सीओ बासगांव ने किया मामले का खुलासा। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ का संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न, विभिन्न एजेंडों पर हुई चर्चा। ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत प्रदेश के सिंचाई एवं जिले के प्रभारी मंत्री ने शनिवार को विकास खंड चरगावा के विशुनपुर गांव में लगाया यात्री चौपाल, कहा गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी भाजपा। नियुक्ति को मांग को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी टू सैन रिजर्वेशन संगठन के सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के समक्ष किया मौन प्रदर्शन। विश्व पृथ्वी दिवस एवं गंगा सप्तमी पर वन विभाग के विभिन्न रेंजों में किया गया वृक्षारोपण और निकाली गई प्रभात फेरी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बैठक हुई संपन्न, 20 मई को आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन को सफल बनाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। 47 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई ग्रुप ए की पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। और यातायात गोष्ठी में लोगों को दी गई ट्रैफिक नियमों की जानकारी।